की फीस पे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ वैसा कर दीजिए। ऐसा हुआ है आप लोगों ने महसूस किया है क्या? पेरेंट्स डाउन टू सेंड का होता है सर, राइट? इट हैज हैपेंड। क्या प्रॉब्लम? यू नो सॉरी, बंदे की ताकत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है दैट एजुकेशन इन्फ्लेशन इज द हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। व्हाई सो? एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो दुनिया की सबसे तेज इन्फ्लेशन में आती है। बिकॉज व्हाट वी आर स्टडीइंग टुडे इज नो मोर गोइंग टू बी रेलेवेंट टिल 15 इयर्स डाउन द लाइन। सो एवरी टाइम वी आर स्टडीइंग समथिंग न्यू, हम कुछ ना कुछ अलग पढ़ रहे हैं, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज द चॉइसेस दैट टुडे पीपल हैव, किड्स हैव इज इमेंस। अगर आज मेरी बेटी मुझे ये बोले कि पापा मैं शेफ बनना चाहूंगी, do you think it's a small thing? It's a big thing. आज से 15 साल 20 साल पहले अगर कोई बाप अपने बेटी बाप से बोले पापा मैं शेफ बनना चाहूंगा, तो पढ़ रहा हूं है, होगा नहीं होगा? आज पीपल आर एक्सप्लोरिंग, पीपल आर एक्सप्लोरिंग समथिंग विच इज नॉट जस्ट टॉक अबाउट, किड्स आर डूइंग समथिंग विच यू और वी नेवर हर्ड अबाउट। सो वी हैड वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, बट टुडे द किड, the student that we see and you see every day, they have a mind, they just want to explore, they just want to explore many, many things. And that all has a cost, has a tremendous cost for us. So the choices are immense, and it is time for us to understand that dream we have can be convert into reality. Or generally, I have talked to many parents here, I believe time has come when we stop spending money on weddings. I'm not talking finance, I'm talking as a parent. I think so time has come where we start looking at, are we spending the money the right way? Are creating assets or creating liabilities? हम किसी को बुला के 500 रुपए की थाली खिलाए या मैं अपनी उस बच्ची के लिए कुछ पॉवर्टी या वॉट एवर द बेस्ट आई कैन अफोर्ड फॉर एजुकेशन दो, पर हम किस में पढ़े? लुक एट द वे द वर्ल्ड इज बिहेविंग, वी आर बिहेविंग इन अ वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जब तक मैं किसी को दिखा ना पाऊं कि मेरे पास पैसा है, तो चाहे वो बच्ची पढ़ाई कर रही है, तो आई थिंक जो मैं जब आज के बारे में पेरेंट्स से बात करता हूं, व्हेन आई सिट अक्रॉस विद वन ऑफ देम, आई If they tell them, if they ask me, Ashish, plan for my doctor's or my son's education and plan for my retirement and also plan for my, you know, let's say wedding, or retirement puri nahi kar pa rahe ho, maan lo, so I say, please, this there is no need for you to plan for their wedding. Jaake wo 100-200,000, 500,000, 2,000,000 rupaye mein bhi simple si shaadi kar lena, they can get wedded. But so when I start talking to parents now, I just don't talk about their weddings. I talk, first priority is that you must talk of education. And education is getting costly like anything. Aaj ke tarikh mein 10 se 15 lakh rupaye saal ka kharch hona. I'm not talking maybe Varanasi or maybe go outside in Delhi. Bahut aam baat hogi. Yes or no? Uske beyond, and education is not all about that what I have to pay to monastery or what I have to pay to LM career or to any management institute. It is about unki requirement, gadgets, aana jana, unki aspiration jo usme aur jud gayi hai, wo sabhi abhibhavak ko ek parent ko meet out karni padti hai. So it is getting so much bigger. Matlab, so an education inflation is over 8-10%. It is in double digits in India. Double digit inflation chal rahi hai education ki. आप कहीं भी चलते हो, कोई भी जगह चलते हो, कोई भी फील्ड चलते हो, वी हैड, वी ऑल हैड इट इजी। सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग, सो कई लोग बोलते आशीष जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैंने कहा गलती से, बोले क्यों गलती से क्यों बोला, मैंने कहा मेरे पापा भी सीए थे इसलिए मैं सीए बन गया, तो आई हैड नेवर एनी चॉइस, तो पापा सीए थे तो बोले इसलिए सीए बन गए। सो तो आज से 15-20 साल पहले हम लोग के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे एक्सप्लोर करने के, ऑप्शन क्या होते, इंजीनियरिंग कर लो, लॉ कर लो, ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए, मतलब 2-4-5-6 ऑप्शन में सरट जाती थी दुनिया। इसके बिना हम सोचते नहीं थे। आज की तारीख बच्चा क्या करता है, he thinks, I don't know what, astrophysics, तो फिजिक्स तो पढ़ी नहीं हमने, एस्ट्रोफिजिक्स वहाँ से पढ़ी, और उसमें भी अपनी अपनी थ्योरी होती। सो वी ऑल हैड इट इजी, बट किड्स वुड नॉट बी इजी, एंड देयर कॉस्ट ऑफ दैट अनइजीनेस इज राइजिंग लाइक एनीथिंग। So don't, you know, we need to really go about them. And the first thing, you know, there was a survey done by HSBC ki priority mein sabse bada financial goal investors ke liye, user ke liye kaun sa hota hai, to unhone likha tha kids. Sabse pehle aadmi jo plan karna chahega na, wo bolega main apne bacche ke liye planning, right?
And what they do is that they start. Everyone does that. आप में से कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने चालू कर चुके हैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ? मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने अपने बच्चे के लिए चालू नहीं किया होगा। ज्यादा बच्चा पहला हो, पहले बच्चा पैदा होते ही स्टार्ट थिंकिंग अब उसके लिए क्या करते हैं, राइट? बट द पॉइंट इज, यस आई नो दैट वी ऑल स्टार्ट, बट आर वी स्टार्टिंग इन द राइट डायरेक्शन? दैट इज इंपॉर्टेंट। साइंस का स्टूडेंट नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो और प्लेन में 2 डिग्री इधर 360 डिग्री 2 डिग्री अगर इधर ले लिया तो मुंबई की जगह वो लाहौर पहुंच जाएगी। वो मालूम कब पड़ता है? वो दूर बाद में पड़ता है, वो इनिशियली नहीं पड़ता, राइट? तो द क्वेश्चन इज, द स्टार्ट इज नॉट इनफ, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट राइट। It is important to start at a right path. वो right path क्या है? We need to understand in the right way. Now, let me now correlate with the driving speed that I said. Let me now correlate with the driving speed. Remember, मैंने आपको last session में कहा था, investment is like driving a car, vehicle, from point A to point B. If the point A and point B are close, we need to drive slowly. If the point A and point B are far away, we need to drive fast, right? So, if my kid is as small as a toddler, right? What should I do? Drive slow or drive fast? मुझे गाड़ी नहीं चलानी, मुझे इन्वेस्टमेंट चलाना है। मेरी गाड़ी में बच्चा नहीं बैठा। Please don't misunderstand me. मैं गाड़ी धीरे चलाऊं, मेरी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी तेज चलाऊं। हम लोग क्या करते हैं, पैसा कहां लगाते हैं? और भी डू प्लीज टेल मी, हम NIC लेते हैं, है ना? कोमल जीवन, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इट? ले रखा है बच्चों के लिए पॉलिसी ले रखी है? हाँ ना नहीं? ले रखी है, ले रखी है। एबी किसने करा रखी बच्चों के नाम पे? एक बच्चा छोटा है उस कोर्स में, तो वो बड़ा वाला है, पर दो लड़के हैं। गुड, हाँ जी, एबी, यस और नो? वी डू इट और नॉट? लेट बी रियलिस्टिक, वी डू इट। गोल्ड, यस और नो? बच्ची है तो गोल्ड खरीद के रख लो, बच्ची के लिए स्टूपिड इन्वेस्टमेंट, गोल्ड खरीद के रख लो। किसके नाम पे? बच्चे के नाम पे या बच्चे के लिए? कम से कम बच्चे के लिए, राइट? ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, जो मैंने नाम बोले, could be gold, it could be FD, it could be RD, it could be an LIC, they are absolutely slow moving products. क्या है? ये धीरे चलने वाली गाड़ियां हैं। जाना कहाँ है? दिल्ली है, कहाँ? जयपुर। गाड़ी कौन सी गियर पे है? फर्स्ट गियर पे। सर, आप फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बताइए। सर बताइए, आप नेक्स्ट में भी बताया, अभी बताइए, वो बताओगे सर? बताइए। सो द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज, पर क्वेश्चन में आपने पूरी बात सुनी ना, फिर आपको कोई इंप्लीमेंट ना कर देते मेरी बात। तो द क्वेश्चन इज, हम लोग अब प्लानिंग किसकी कर रहे हैं? इस बच्चे की। जाना कहाँ है? जब वो 18-20 साल का हो जाएगा, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद की बातें कर रहे हैं, और आज गाड़ी कौन सी चला रहा है? एकदम धीरे। क्या होगा? हम इतना धीरे चलेंगे, इतना धीरे चलेंगे कि हम मर चुके होंगे। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए कितने किलोमीटर पे चलना जरूरी है? 10 से ज्यादा? यस। अगर मैं
चलते रहते वहीं पर, हम पता नहीं जिस रफ्तार से ट्रेडमिल चल रही है उसी रफ्तार से होते दौड़ रहे। अगर मैं उस रफ्तार से धीरे चलूं तो गिर जाऊंगा। यस, उस ट्रेडमिल को आप इन्वेस्टमेंट से समझिए, जो मुझे पीछे धकेल रहा है वो है इन्फ्लेशन। तो मैं खड़ा हूँ और पीछे जाए जा रहा हूँ, ये है इन्फ्लेशन। मैंने कहा मैं तुझे खड़ा हूँ, तो वो हुआ सेविंग करना, सेविंग करा, लेकिन इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं करा कि इन्फ्लेशन की रफ्तार से तेज है। तो कहाँ जा रहे हो, पैसा आगे नहीं पीछे जा रहा है, पैसा टूट रहा है। तो मैं पीछे जा रहा हूं। अब पीछे कैसे, मुझे इन्फ्लेशन धकेल रही है पीछे, वो है रफ्तार उसकी 10 किलोमीटर की पीछे वाली, मेरे पैसों को तोड़ रही है। दैट आई होप आई एक्सप्लेन टू इन्फ्लेशन लास्ट टाइम। इन्फ्लेशन वो चीज है जो मेरे पैसों को हल्का कर रही है। अगर मेरा पैसा आज मान लीजिए ये चीज 100 रुपए की आ रही है, तो कल ये चीज 110 की बिक रही है, ये इन्फ्लेशन है। तो कहने का मतलब कि आज के 100 रुपए कल 90 के बराबर हो गए मोटा मोटा। तो अच्छा, जेब में ना सर्दियों के टाइम कई बार होता है कि जेंट्स को कोट की पॉकेट में 1000 का 500 का नोट मिलता है, होता है। इस बार मिला था 9 नवंबर के बाद में, पैसा माता को मिल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो मैंने पैसा खरीद, अब वो तो पैसे टूट गया ना, 500 पहले क्या खरीद सकता था, अब क्या खरीद रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट भी ऐसा है, अगर इन्वेस्टमेंट की रफ्तार आपकी इन्फ्लेशन की रफ्तार से कम है तो क्या होगा, पीछे जा रहे हो कि आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हैं। तो हम जब FD RD LIC कराते हैं तो इसकी रफ्तार इन्फ्लेशन की रफ्तार से बहुत पीछे है, तो हम पीछे जा रहे हैं, हमारा पैसा टूट रहा है। हमारी जरूरत 100 की 110 हो रही थी, पैसा 105 बढ़ रहा है। तो हम 5 बढ़े या 5 घटे, हम 5 घट गए ये हमें समझ में नहीं आता। हमें लग रहा है 5 बढ़ गए क्योंकि हम इन्फ्लेशन को नजरअंदाज कर रहे थे, राइट। तो जब मैं छोटे बच्चे की प्लानिंग कर रहा हूँ तो मुझे जाना दिल्ली है, इतना दूर जाना है, 15-18 साल जाना है, तो मेरी गाड़ी की रफ्तार को तेज होना जरूरी है। उस तेज रफ्तार के लिए मेरे पास स्लो स्पीड जो प्रोडक्ट है वो जिसको FD RD ये जो LIC वगैरह ये नहीं करानी चाहिए, ठीक है ना। और क्या करानी चाहिए इस पर चर्चा करते हैं। वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन समथिंग कॉल्ड इक्विटी फंड्स, वी वॉन्ट टू बी इन्वेस्टिंग समथिंग कॉल्ड इक्विटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फोर्थ गियर में आ जाए, मतलब डाइवर्सिफाइड फंड के साथ में आपने उसका एक डेट फंड, मतलब इंटरेस्ट बेयरिंग प्रोडक्ट, मतलब आपने हो सकता है प्रोविडेंट फंड खोल दिया साथ, समथिंग आपने थोड़ा सा अपनी स्पीड को फिफ्थ से फोर्थ गियर में लिया। जब वो और थोड़ा बढ़ जाए, मान लो वो 13-14 साल का हो गया, देन आई से पीपल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को कम करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो, कम करना शुरू कर दो। और यहाँ पे आते आते आप बैलेंस अप्रोच में आ जाओ, आपके पास FD और इक्विटी फंड दोनों के कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाए। और जब आपका बच्चा एजुकेशन के लिए एकदम तैयार हो या शादी के लिए एकदम तैयार हो, तब आपको उस डाइवर्सिफाइड फंड में एकदम भी नहीं रहना चाहिए, तब आपको कहाँ रहना चाहिए, FD, तब रहना चाहिए FD में, यहाँ नहीं। हमारी गलती क्या होती है, वो साइंस नहीं समझ रहे कि ट्रैवल करना कैसे, उस जर्नी में उस 0 से लेके 18 ईयर्स की जो जर्नी ट्रैवल करनी है, कहाँ मुझे गाड़ी को तेज चलाना है, कहाँ गाड़ी को धीरे चलाना है, ये हमारे को समझ में नहीं। इसीलिए हमारे से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती है। ये जो भी FD RD खासकर ये जो इंश्योरेंस है, कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो LIC हो, चाहे ICICI हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, इंश्योरेंस इज जस्ट नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो इंश्योरेंस के माध्यम, आप समझिएगा, अगेन इंश्योरेंस पर टॉपिक है, इंश्योरेंस इज अ प्लान बी और लाइफ, प्लान बी ऑफ लाइफ। आपके कुछ ना होने, कुछ होने पर इंश्योरेंस काम आना चाहिए। गाड़ी की इंश्योरेंस कब काम आती है, गाड़ी डूबने पर, आपको नहीं डूबने पर पैसे मिलते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी कब काम आती है,
बीमार होने पर बीमार नहीं होने पैसे मिलते हैं। कोई भी बात करो, चलो इस बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराते हैं, फायर इंश्योरेंस, तो फायर लगने पर पैसे मिलेंगे, बिना लगे पैसे मिलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, हमें बोलना चाहिए मेरी डेथ पर मेरे फैमिली को क्या बेनिफिट मिलेगा, जिंदा रहने पर नहीं। पर हमारे को बेचा जाता है, बेचा नहीं जाता, बेचा जाता है। ये समझाते हैं कि आपको जिंदा रहने पर बच्चे के 18 साल में ये मिलेगा, 20 साल में ये मिलेगा, वो ढोसा है, वो फरेब है, वो झूठ बोला जाता है। और उस तरीके से करने पर आप फंस जाते हो, एंड दैट इज नॉट अ प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लान। इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्लान बी, व्हाट इफ ओ माय गॉड मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, और तेरी तो ये क्या होगा, दैट इज वेयर इंश्योरेंस इज नेसेसरी। Not, now there are realistic a moment, मेरे को मेरा retirement होना ही है, मेरे को बच्चे को पढ़ाई करानी है, ये investment है, ये insurance नहीं है। Insurance is what if, जो चीज में जिंदगी में नहीं चाहता वो अगर मेरे साथ हो गई तो इंश्योरेंस मुझे बचाएगी। इंश्योरेंस कभी भी पॉजिटिवली लिंक नहीं किया जाता, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली किया जाता है। तो जब आप भेलपुरी खरीदते हो, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट मिक्स कर खरीदते हो, तो सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलता, और उसका कोई इंपैक्ट आपको पता नहीं पड़ता भी, और फिर 20 साल बाद पता पड़ेगा कि अब क्या हो गया। आई विल नॉट फर्दर टेक अप, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर फॉर यू, यू प्लीज अटेंड दैट सेशन। सर पीएलआई इज इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, सॉरी पीएलआई, सी एनीथिंग दैट यू पे एज एन एक्सपेंस इज एन इंश्योरेंस। एनीथिंग दैट यू पे एज एन एक्सपेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस खर्चा है, मेडिक्लेम खर्चा है, राइट? अगर वो खर्चा है और उसमें कुछ मिल नहीं रहा है तो खर्चा है, वो इंश्योरेंस है, तो वो बकवास है। एब्सोल्युटली क्रैप, यस, ओके, एब्सोल्युटली क्रैप, ओके। नाउ व्हेन आई से आपके ये सारे ये स्टेजेस हैं, अब ये स्टेजेस क्या है, ये गाड़ी के चार गियर की तरह है, समझ लीजिए, फोर्थ गियर, थर्ड गियर, सेकंड गियर, फर्स्ट गियर। अब गियर समझ में आ गए कि गाड़ी को तेज कब चलाना है, गाड़ी को धीरे कब चलाना है। और तकलीफ ये जब गाड़ी को तेज चलाने में गाड़ी को धीरे चला रहा हूं, गाड़ी को तो धीरे चलाना है, तभी मैं धीरे चला रहा हूं। वो तो ये है, हम एफडी करते रहे, एफडी करते रह जाते हैं, और बाद में कितने पेरेंट्स, वो नहीं शैलेश, वो नहीं है जिसने पैसे बचाए नहीं, शैलेश वो है जिसने पैसे घर से बचाए नहीं और इन्वेस्ट किए, तो वो शैलेश की कहानी बन जाती है। देन कम्स रिटायरमेंट, इट इज माय फेवरेट टू टॉक, आई रियली लव, बिकॉज़ इट्स द बिगेस्ट फाइनेंशियल trouble you all have, but let me just consume it in 2-3 minutes. The good part is we are living longer, the sad part is that we have to pay for it. Life expectancy is rising, healthcare cost is increasing, and nuclear family is that trend. Yes or no? Yes. Right? Nuclear family se bahut cheez, mazedar cheez yaad aati hai. So, one of my friends used to tell me, पहले दादा दादी, दादा के दो, एक और दो भाई, फिर दादा, दादा के दो बच्चे, मतलब मेरे ताऊ जी, चाचा जी, ताई और मैं, साथ में हम सब इतनी बड़ी संयुक्त फैमिली होगी, जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा। आज मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, वो जॉइंट फैमिली है, कल मैं अपनी बीवी के साथ रहूँगा, उसको जॉइंट फैमिली। द जॉइंट फैमिली इज नाउ श्रिंकिंग, इज श्रिंकिंग फास्ट, राइट? सो द क्वेश्चन इज, tomorrow we have to fund it. How many of you believe, and people who at least want to define benefit contribution scheme, that your kids will take care of your life? Aapke bachcha aapka dhyan rakhe. हम जिसको जान से ज्यादा प्यार करते हैं, जिस पे सब कुछ उठाने को तैयार है, हम ये मान के चले हैं कि वो हमारा ध्यान नहीं रखे या नहीं रखने की मदद, राइट? इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, राइट? The question is, there are chances that you may outlive your savings. What happens in life is, between 25 and 60 years, we earn, spend and save. We earn, spend and save. But after retirement, we spend and save. There is nothing else that we do. जैसे बचपन में जो कहता था ना, माँ बाप से पैसा ले लेके खर्चा करते थे, वो ही बुढ़ापे में करेंगे, आपको खर्चा देगा कौन नहीं देगा? तो ये रिटायरमेंट की लाइफ है, आई प्रॉब्ली डू नॉट आई शुड नॉट अदर टेक फॉर अदर, राइट? सो द क्वेश्चन इज, गोल्स आर दोस ड्रीम्स विद डेडलाइंस, गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस,
आपने अगर जिंदगी में कुछ चीज चाहते हो फाइनेंशियली, तो सबसे पहले तो उसे लिखो. कैन यू नॉट डू दिस एक्सरसाइज? Can you do this small exercise for yourself? Can you write this in your paper? Dreams that you have, when do you think those dreams will land up for you? In which year? And what is the cost of it today? Kitni cheezi sabhi. So let's say, I will talk about myself. So I have a dream. Doctor's education. When? 2017, 8 years down the line, 2025, today's cost 70 lakhs. I wonder. Second, dream holiday. I plan to go for Australia for a 1 month holiday where no one can disturb me. I probably want to do it in 2022. Today's maybe 15 lakhs. I don't know. Retirement. Probably I am 37 now. Maybe at the age of 55 I would like to retire. So which is another maybe 18 years down the line. So 2035. I want a monthly income of a lakh rupees so that I can afford. I don't want to change anything. Right, this one. What do you want? Four. I want to have a car, Mercedes. Maybe my wife wants to have an open Jeep. Car in 2020 mein chahiye. क्या कॉस्ट है क्या है? Just think of it. See, jotting down this means is not a fun. It's about talking about yourself. When you're talking about yourself, what you really want in life. I'm saying this is about me. वैसे नहीं सब चीज जाऊंगा जिंदगी में कोशिश सोच रहा है अब मेहनत भी कर रहा हूँ किसी किसी को काम से तो कर रहा हूँ ऐसे तो नहीं कोई चैरिटी में देना चैरिटी भी करूंगा जो करना वो भी रीच होगी बट देन दिस इज ऑल अबाउट गोल्स एंड ड्रीम्स एंड डेडलाइंस फॉर मी एंड आई टू अचीव इट. हम स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाते हैं भैया ये क्वार्टर में ये खत्म करना है वो क्वार्टर में वो खत्म करना है फिर पूरे साल में ऐसा करना है. व्हाट आर यू टीचिंग अवर सेल्फ? और क्या टारगेट है? अगर आपने उसको लिख कर उस पर एक्शन नहीं लिया है दीज आर ओनली विशेस. इफ यू वॉन्ट देट टू गेट कंप्लीटेड देन इट हैज टू बी पुट इन टू एक्शनेबल वर्ड. क्या करना है कैसे? This is where the beginning of our planning comes. This is where you start. Unless you don't even know. Again, let me go back to the Gita Upadesh. Why did Gita start? The question was why? Why I am here? Why I am here? Arjun asked Krishna, why am I here? Then Krishna ji told Arjun, you are here because for that reason. So the money is asking you, why I am with you? What's my purpose? And unless you're not defining your purpose, what will you do? Nothing. As simple as that. Kuch nahi. Acha. Then people often come and say, "Ashish, we are sab planning thodi karte hain. Sab bhi aise chali jaate hain na. Hame kya zarurat planning karne ki? Sab log bhi to bina planning ke chali rahe. Kaun se mere planning hoti hai? Right? Now let me give you an answer. There is a rule called 90-10 in financial planning. Rule for 90-10. What is the rule suggest? There are 90% people who have 10% of wealth. How much? 90 लोगों के पास दुनिया के 90 लोगों के पास जब मैं बता का पूरी दुनिया 100 है तो 90% लोगों के पास 10% की दौलत है और 10% लोगों के पास 90% की दौलत. This is the segregation of wealth. Who are these 10% people? So
So now, should I talk a language of people who are 10% or should I start talking a language of people who are 90%? That's a choice I have. कृष्ण भगवान ने गीता के स्टार्टिंग में कहा था, उन्होंने अर्जुन ने पूछा मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, तो कृष्ण जी ने कहा था यह डिसीजन तुम्हें लेना है, ये मेरा काम नहीं। प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर लाइक बिकॉज़ आई लिसन अ लॉट ऑफ गीता, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो बैक टू दैट 1 घंटे 42 मिनट का YouTube पे वीडियो है नितेश भारद्वाज की गीता का, और सुनिएगा इट्स सच अ माइंड ब्लोइंग। बचपन में तो मैंने सुना था तो समझ में नहीं आया होगा, अब तो सुनते तो उसकी मीनिंग अलग नजर आता है। तो 1 घंटा 42 मिनट में YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, वो पुरानी जो गीता थी जो हमने वो महाभारत देखी थी, मैं समय हूँ वो। तो उसमें कृष्ण ने अर्जुन ने पूछा कि आप बताओ भगवान की मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो उन्होंने कहा ये डिसीजन तुम्हें लेना है, ये मेरा काम नहीं है, ये काम तुम्हें लेना है। तो नाउ आई एम लीविंग टू यू ऑल टू डिसाइड, डू यू वॉन्ट टू थिंक लाइक द पीपल हु आर ऑफ द 10 top 10% पीपल who actually put everything in place and they have to work with their mind. And the problem is, when I talk about financial plan to people, लोग बोलते हैं घंटा लगता है यार छोड़ो क्यों करें, क्योंकि उसमें दिमाग की कसरत करनी पड़ती, उसमें दिमाग की 1 घंटा मजदूरी करा लो कि 1 घंटा मैं जॉगिंग कर सकता हूँ, पर अगर मैं आपको 1 घंटा मेडिटेट करने को तो कितने लोग कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। तो लेट बी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल है। Yes or no? How difficult it? Why can't do it? Let's say this guy can't do it. If someone who is Ashish can meditate, how many of us read books after we cross our education? कितने लोग पढ़ते हैं? शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो पढ़े, इधर एक तो पढ़े। शुरुआत में दिक्कत होती है। शुरुआत में क्या है? किसी पढ़ने वाले। आदत है। राइट। तो एक दिमाग की एक्सरसाइज करना बहुत दिक्कत वाला काम है। आप 1 घंटा घुमा लो और बोले 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करनी है या कोई बुक पढ़नी है, इट इज टू डिफिकल्ट, बिकॉज दैट रिक्वायर्स माय ब्रेन टू वर्क। स्पेशली मेडिटेशन हमें कंसंट्रेट करना ही चाहिए, वो उस टाइम पे भी सारी दिमाग दुनिया की याद आ रही है, बट वी नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट। यू नो व्हाई इट इज डिफिकल्ट मैम, यू नो व्हाई इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज दैट फोर्सेस यू टू चेंज योर बिहेवियर, और हम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहते। आपका 2 घंटे का टॉपिक होगा जहां आपको मुझे सुनना पड़ेगा, वेयर आई टॉक ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट। जैसे टू आर आई स्पेसिफिकली आज मोनिका ने कहा सर, बिहेवियर मैनेजमेंट जब तक अच्छा नहीं होगा ना, निवेशक कोई नहीं बन सकता। प्रोडक्ट देने से कुछ नहीं होगा, एसबीआई टाटा रिलायंस एसबीआई कुछ डालने से कुछ नहीं होगा, जब तक बिहेवियर नहीं आएगा निवेश पे ना, तो बिहेवियर मैनेजमेंट तब तकलीफ का क्यों होता है? क्योंकि दैट रिक्वायर्स अस टू चेंज अवर बिहेवियर, और हम अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें मेहनत होती है, इसलिए बोलते छोड़ो यार। तो वो 90% लोग हैं जिसके पास 10% वेल्थ है, और वो 10% लोग हैं जिसका 90% वेल्थ है, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली चैलेंज देयर ओनसेल्फ। सो आई वुड लीव टू ऑल द ऑडियंस हियर, ऑल द गैदरिंग हियर, दैट प्लीज आइदर राइट डाउन दिस एंड मे बी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फ्राइडे और व्हेनेवर व्हेन आई एम कमिंग, समवन कैन मेल मी एंड आई विल कम विद ऑल द आंसर्स फॉर दिस। And okay, and I can do that if you want me to do it. Next Friday when I am coming, if you do not, she has my email ID. If someone were to give it to her, give me 3 days well in advance, I will prepare a sheet for this Excel and give it to you, your mini financial plan. I cannot give a copy because I don't know you, but if not, there can be anything I can actually offer you that and help you plan your finances the way. It's a very small beginning. It is not something that ye karne sab kuch ho jayega. At least know kahan jana hai. Pahunchna kahan hai paisa. Ye bhi chalu ho sakta. और ये मेरी
अब अगर मेरे पास पैसे बचे तो मैं नीड सेट के बॉन्ड पे जाऊंगा, पर अगर बॉन्ड पे पहले कदम रख दिया नीड के लिए नहीं है तो क्या बच्चों से मांगूंगा? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। I am not saying that once you plan that you will also have money. That मेरे को मैं थोड़ी साहब मैं जरूरत थोड़ी। But I am saying at least step one करें क्या? Economics तो उतनी से समझाई मुझे, right? तो ये तीस बात हो, right? Sorry. So the goals are dreams and deadline. अब देखिए मैंने छोटा सा बताया है cycle. Cycle क्या है? धीरे चलो. Auto क्या है? थोड़ा मीडियम टर्म, और कार क्या है? लॉन्ग टर्म। तो आपने फाइनेंशियल गोल्स को टाइमलाइन में बांट दिया। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, इमरजेंसी फंड इज द शॉर्टेस्ट गोल। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, वो शॉर्ट टर्म गोल काम आए ना, पर बना के रखो। फॉर समवन हुज डॉटर और सन इज 15-18 इयर्स ओल्ड, वो एजुकेशन विल बी अ मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म गोल। बट फॉर मी मे बी डॉटर्स एजुकेशन इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, बट ऑल डिपेंड्स। Short term income goal they define it. So the journey of your dream would be well achieved if you plan that beforehand. Know what you want, when you want, and the rest will fall in place. This is what we need to do here. Right? I'll conclude this first session, maybe. Yeah? This is my first session of the afternoon time. If you want, we can take a 2-3 minute break. Maybe leave somewhere else. Back after 5 minutes. Yes. Is that fine? Bore rahte sunte sunte bahut zyada. Thank you. And the last topic, the next session, will be pretty interesting one in terms of paise kaise bante hain. Maybe people want to know ki how do we can multiply our money. Right? We'll talk about it.
देखिए ऐसा है, उसी में बदलू कि बात एकदम सही है। कृष्ण ने अर्जुन से, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि जरूरत ही क्या है जब आप कह रहे हो कि हमें कर्ता नहीं बनना, कर्ता मतलब करने वाला ना बनना। उन्होंने कहा जो हो रहा है भगवान करा रहा है, तो बोले जब करने वाला ना बनो तो तुम फिर साहब मैं करूं ही क्यों, मैं युद्ध करूं ही क्यों। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने कृष्ण से, मैं युद्ध करूं ही क्यों। तो कृष्ण का जवाब आया कि कर्म करना तेरा काम है, कर्म के फल की चिंता ना करना, वो तेरे हाथ में है। तो whether you will win the war or you will lose the war, that is not in your hand, but कर्म करना तो तेरा काम है। मेरे साथ एक देवास एक सज्जन आए, तो उन्होंने बोला आशीष मुझे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं। बोले मेरे पास इतना है भगवान का दिया हुआ कि मेरा दोनों हाथों से लुटाऊं तो भी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा फिर भी आपको सब कर्म तो करना ही पड़ेगा, फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। बोले क्यों। बोले आप ये समझो कि आपके लिमिट कितनों का भला लिखा है, तो एटलीस्ट जो पैसा आज आपके हाथ में है उसको सही तरह सदुपयोग करना भी तो आपका कर्म है। ऐसा तो नहीं छोड़ के बंद जंगल में भाग जाओगे। तो आप तो जब क्वेश्चन इसकी निरंकारी हो चुकी है आपको बुला दी, तो यस बट द क्वेश्चन इज राइट नाउ दैट इफ आई हैव सम मनी विच आई हैव जेन्युइनली अर्न फ्रॉम माई रिसोर्स, तो आप उसका सदुपयोग कैसे कर पाओ, उसको वेल्थ में कन्वर्ट कैसे कर पाओ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करें। सो वॉट इज वेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू कि वेल्थ होती क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेल्थ। इमेजिन करिए कि मैंने एक दो बेडरूम का मकान खरीदा, मैंने दो बेडरूम का मकान खरीदा 10 लाख रुपए, ठीक है सर, और उसको मैंने 40 लाख रुपए में बेच दिया। डू यू थिंक आई हैव बिकम वेल्दी। सिंपल सी क्वेश्चन पूछता हूं, यस और नो। यस सी, अगर सी प्लीज अंडरस्टैंड, मैं जहां तक बोलूं उसी को आप पूरा स्टोरी मानिएगा। इतनी सी बात बोलिए, आप अजम्पशन मत डालिए, और भी कुछ हो सकता है। आप अपने अजम्पशन डालते तो वही गड़बड़ी हो जाती है, आप अजम्पशन ना डालें। मैंने जितना मैंने कहा था इंटेलिजेंट तो बनिए गए बनिए आप। वी आर नॉट, आई एम द लीस्ट इंटेलिजेंट पर्सन यू विल सी इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज़ आई नेवर ट्राई टू बी इंटेलिजेंट। जो है सामने उससे बात करो। सो इफ आई से आई हैव सोल्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 40 लाख रुपीस व्हिच आई बॉट इट फॉर 10 लाख, हैव आई बिकम वेल्दी। पॉइंट नंबर 2, With the 40 lakh rupees that I have now, मैंने दोबारा से दो बेडरूम का मकान खरीद लिया। Have I become wealthy? हाँ जी। मैंने दो बेडरूम का मकान 10 लाख में खरीदा था, उसको 40 लाख में बेचा, और आज उस 40 लाख से मैंने दो बेडरूम का मकान और खरीद लिया। Have I become wealthy? क्यों नहीं? मैंने जितना बोला उतना हो गया चाहिए। आप वही कर रहे हैं। हाँ जी। देखिए मुझे रहने के लिए मकान चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, कोई जरूरत है नहीं। तो बेडरूम जो दो बेडरूम का बाद 10 में खरीदा, 40 में खरीदा, 40 में खरीदा, दो बेडरूम का रहने के लिए दोबारा मकान नहीं हुआ, तो वेल्दी हुआ नहीं हुआ, टेक्निकली नहीं हुआ। क्यों? वेल्दी होने के लिए मुझे अगर मैं दो बेडरूम का बेचकर 40 लाख में 3 बेडरूम के मकान में शिफ्ट होता तो आई वुड हैव बीन कॉल्ड अ वेल्दी। सो व्हेन आई एम एबल टू कंज्यूम मोर ऑफ ए कमोडिटी देन आई बिकम वेल्दी। मैं अगर उसी कमोडिटी को आज भी कंज्यूम कर रहा हूं जिस कमोडिटी को पहले कंज्यूम कर रहा था, आई एम नॉट वेल्दी। ओनली थिंग इज परचेजिंग कॉस्ट हैव नाउ गॉन फ्रॉम 10 लाख टू 40 लाख रुपीस। मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं तो पहले कंज्यूम कर, पैसे वाला काम है जितना मैं वहां तक जाऊँ वहीं तक।
personality. So what is wealth? Okay. And different people have a very different versions of wealth. Let's talk of something. Okay. This picture को तो गौर से देखिएगा. हाँ भाई. वेल्थी कहाँ हो गई? वेल्थी कहाँ हो गई? कहाँ है? आगे. So, can you make a difference between these two? Yes. Can you make a difference between these two? Yeah. Transparent. And the second one? The first one? Anything that you can make out of this picture? Basically, in further this, what I want to say, to me, this is called richness. It's called being rich. This is called being wealthy. There's a different being rich and being wealthy. So, पहले तो हमें ये समझना है कि हम अमीर बनना चाहते हैं कि wealthy बनना चाहते हैं. हम अंबानी को क्या बोलते हैं? वेल्दी. वेल्दी राइट. क्या होता है? क्यों होता है? रिच बोलते हैं इंडिया में सब पेपर में रिच. सो यू माइट हैव हर्ड समथिंग कॉल्ड गेट रिच क्विक. यू हैव हर्ड समथिंग कॉल्ड गेट रिच क्विक. हैव यू एवर हर्ड गेट वेल्दी क्विक? The question is, richness is temporary and wealthiness is permanent. ये बहुत major फर्क है. जब तक ये बात ना समझ में आए हम उसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे. कि problem है करना क्या चाहते हैं. ऐसे the richness is temporary, the wealthiness is permanent and there is nothing called get wealthy quick. There could be richness, get rich quick. हम सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन आता है ना सबके जहन में, जब वो मुझसे कोई बात करेगा, मेरे से एडवाइस से बात करेगा, आशीष जी पैसे कहाँ लगाए जिससे फटाक से अमीर हुए? दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट पीपल आस्क मी. वेयर डू आई इन्वेस्ट माय मनी? आप तो सब भाषण वाली छोड़ो, एक चीज बता दो कहाँ डाले, बाकी सब हो जाएगा. ठीक है ना, बस वो एक चीज बता दो. बात यह है कि वो किसी को राइट. एंड अगर वो जल्दी से कुछ करना चाहते हैं तो मैंने पहले सेशन में बताया था कि प्रणय देवी से आपकी सृजन को समय लगता है. तो सिर्फ सृजन वाली बात. एंड बीइंग वेल्दी एंड बीइंग विल आर पोल्स अपार्ट. आर पोल्स अपार्ट. जब आप रिचनेस, जब आप वो रिच वाली काम करते हो ना, रिचनेस वाली बात सोचते हो, उस जो आदमी रिचनेस के पीछे भागता है वो कुछ ऐसा सोचता है. और जो आदमी वेल्दी बनना चाहता है वो पैसों को लेकर कुछ ऐसा सोचता है. व्याख्या करूंगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं. जो आदमी रिचनेस होना चाहता है वो ये करता है, जो आदमी वेल्दी बनना चाहता है वो कुछ ऐसा करता है. इससे क्या दर्शा रहा हूं? What I'm trying to say, that person who wants to become rich is always on the hunt. He always wants to do something. वो कुछ ना कुछ करने के उद्देश्य ढूंढने लगा रहता है. ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, यहाँ करो, वहां जाओ, ये डालो, ऐसा निकालो, उसको करो, ऐसा करो. वो सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बना रहता है. Whereas wealthy people देखकर भाई रिमेन इनएक्टिव. लेकिन कहीं आपने कहीं ना सुना होगा कि रियल एस्टेट में किसी ने बेचकर कोई लखपति से करोड़पति बन गया. यस. उसका कारण रियल एस्टेट नहीं, उसका कारण वो निवेश कारण निवेशक खुद होता है. वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता, वो ऐसे रिएक्ट करता. सोचिए, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता, वो ऐसे रिएक्ट करता. क्या मतलब? मान लीजिए मैं आज आपको ये बोलूं कि रियल एस्टेट पिछले 3 साल से मंदी में है. यू ऑल एग्री राइट? मंदी में है, भाव कुछ कम है, कई जगह कम है. अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाव अगले 3 सालों में 50% और कम होने जा रहे हैं, लेट्स से
अब मेरी बात शाश्वत सत्य है, मान लीजिए आप में से कितने लोग अपना घर का जो एक इन्वेस्टमेंट के मकान में जो घर का प्रवेश होता है, आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी ले रखी जयपुर में कहीं भी जहाँ जहाँ से आपको बने हैं, आपने प्रॉपर्टी ले कितने लोग भेजो आज घर। मैं अगर कह रहा हूँ कि मकान 3 साल में आधी कीमत रह जाएगी, कितने लोग भेजेंगे? लेट बी रियलिस्टिक, आप तब बताइएगा आप करने वाले हो, क्योंकि होने वाला 3 साल में 50% होगी भेजोगे। अभी हम उठा लिया क्योंकि मुझे बाहर कुछ करना चाहिए, आज कितने लोग भेजेंगे आप बताइए? नहीं उठाएंगे, कोई नहीं कर रहा, नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे, राइट? मंदी है, दिख रही है, डिमोनेटाइज कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, बहुत सारे ब्लैक मनी पकड़ रही है, तो ब्लैक मनी जैसे कदम होगा रियल एस्टेट में नीचे जा सकते हैं, और ये दिख रहा है वो भी रहा है वो भी चल चलो, लेकिन अब कुछ नहीं कर। अब मैं आपसे ये पूछूं, सोना आज 20,000 रुपये तोला है, ठीक है ना, और अगले साल भर में वो 22,000 रुपये तोला होगा, कितने लोग बेचेंगे? देख रहे हैं सोना कितने लोग बेचेंगे, सोना कितने लोग बेचेंगे? अगर 22,000 रुपए तोला सोना होने वाला है, कितने लोग बेचेंगे आज सोना कल का? नहीं बेचेगा। चांदी 75,000 रुपए से 30,000-28,000 रुपए किलो आ गई थी मालूम है, और अभी 30-40,000 रुपए किलो चांदी 75,000 चली गई थी, 40,000 कितनों ने 75 में बेचा था? कुछ नहीं किया। और कितनों ने 40,000 में उसको आफा काफी कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं कर रहे। सोना 33,000 तो चले गया था, कितने बेचा था? आज मैं जाने वाला तो कितने लोग बेचेंगे? बट अगर मैं ये बोलूं कि ये सेंसेक्स जो है वो 30,000 का भी 22,000 होने वाला है अगले साल भर में, कितने लोग अपने शेयर बेचेंगे? कितने लोग बेचेंगे? देखा ये हुआ, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कहां निवेशक की भूमिका में है और कहां नहीं है। रियल एस्टेट अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर आप वहां निवेशक की भूमिका निभा रहे हो, आप वहां निवेशक की भूमिका निभा रहे हो। और जब मैंने दूसरा सेंसेक्स के बारे में बात करी, आप एक ट्रेडर की भूमिका निभा रहे हो, जो सट्टाबाज की भूमिका निभा रहे हो। आपका मन की स्थिति सही नहीं है, आप शेयर मार्केट को या सेंसेक्स को कुछ बराबर नहीं कर सकते। जब मैं वही बात, पैसा तो पैसा है, अच्छा दो उंगली में चोट लगेगी तो किसको संभालोगे? दोनों को, एक को, दोनों को संभालोगे? अब अगर पैसा टूटने वाला तो चाहे गोल्ड में टूटे, रियल में टूटे, संभालो या शेयर में टूटे, तीनों जगह टूटने वाला है, पर आप बोलोगे नहीं ये इनको छेड़ो उसी को मारो, राइट? मन की स्थिति आपकी, ठीक है। तो जब आप या इस पोजीशन में आते हो तो आप रियल एस्टेट, आप शेयर सोने में हो, आप चांदी में हो, आप LIC में हो, आप BPF में हो, स्थिति में हो, शांति से बैठे हो, ठीक है। पर जब आप फाइनेंशियल एसेट्स में आते हो, किसमें आते हो? SBI में हो, या किसने कहा हो रिलायंस एनर्जी में हो, या किसी और में हो, तो आप स्थिति में हो, कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हो। मैं कुछ करूँ। मेरे क्लाइंट बोलते हैं आशीष जी पोर्टफोलियो रिव्यू करो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ करो, ये सुनो। आप समझिए कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो भारत में सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी, ये सुनो। अब साहब उसके बाद टाटा बिरला ये वो सब कुछ, तो साहब वो अमीर क्यों है? क्योंकि वो बिजनेस में पैसा लगाकर बैठे हैं, बिजनेस में पैसा लगाकर बैठे हैं और बिजनेस चला रहे हैं। सो ठीक है, बिजनेस चला रहे हैं, पैसा लगाकर शांति से बैठे हैं, ये सुनो, वो बिजनेस चला रहे हैं। अब अगर अब वो अगर जमीन सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता तो उनको क्या किसी ने काटा है या किसी ने गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देगा? फैक्ट्री खोलो, तुम जियो की अलग अलग जगह जाके टावर लगाओ, उनको क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि तुम्हें करना जरूरी है? वो क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है वो इससे पैसे कमाएगा, इसीलिए कर रहा है ना, बिजनेसमैन है वो, यस और नो? अगर वो बिजनेसमैन है तो वो पैसे कमाने के लिए बैठा है, अगर पैसे कमाने के लिए बैठा है तो वो क्यों बेवकूफ रियल एस्टेट में क्यों नहीं डालता, गोल्ड में नहीं डालता, वो बिजनेस में क्यों डाल रहा है?
भाई वो पैसे कमाने बैठा है, वो पैसे पढ़ाने के लिए बैठा है, उसको कोई एम्प्लॉयमेंट तो देना नहीं आपको, तो वो बिजनेस में क्यों डालता है पैसा नया के का?